अभी हम मुरादाबाद करके कोई जगह है और यहाँ पे मुर्शद भाई मेरे को लेके आए हैं और ये हीरो का शोरूम है और हीरो का शोरूम के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ पे लेके आए हैं, घुमा रहे हैं मेरे को। तो ये सारी गाड़ी लगी हुई है और मुर्शद भाई बैठे हैं और बहुत सारी गाड़ी लगी है, मुर्शद भाई वो बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ी एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ, यहाँ अभी हम लोग बैठे हैं और अभी देखिए आगे फिर देखिए कहाँ लेने जा रहे हैं। ये हमारे मुर्शद भाई है जो मुरादाबाद से है और देखिए कहाँ लेके जाते हैं। गाड़ी बहुत खतरनाक चलाते हैं भाई मुरादाबाद, ये मुर्शद भाई। चलिए गाड़ी में बैठ गए, नीचे उतार लिए गाड़ी, देखते हैं कहाँ लेके चलते हैं। ये मुरादाबाद का जगह है और यहाँ पे गाड़ी रोक रहे हैं क्या, ये तिलेरी जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। और चल रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ लेकर चल रहे हैं, देखते रहिए आप लोग। मगर एक चीज़ है मुरादाबाद में, मुर्शद भाई ने मेरे को एक चीज़ बताया, मुरादाबाद में जो ऑटो चलता है तो ऑटो का सीन ये है कि अगर आपको आपने नए आदमी हैं किसी जगह से आए हैं दूसरे राज्य से, अगर इस राज्य में, तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको किराया 10 बता दिया तो 10 ही लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। ये ईमानदारी है मुरादाबाद में, ये मेरे को मुर्शद भाई ने बताया और कितना हकीकत है कितना सच्चाई है अब तो मेरे को भी नहीं उतना पता है। बाकी मुरादाबाद में ये मज़ा आ रहा है भाई साहब, नया जगह, नया लोकेशन और नेचुरल हवा और यहाँ से उत्तराखंड भी पास में। तो मेरे गांव में भी जो बाग है जैसे वैसे यहाँ पे भी बाग है, मगर एक चीज़ है खेतों की मिट्टी मैंने नहीं चेक की है, खेतों की मिट्टी लाल है ना यहाँ पे, हल्का सा। हाँ तो कैसा है बताएंगे, इसलिए जो यहाँ मिट्टी है वो गोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी यहाँ पे बोलते हैं, गोमट यहाँ की भाषा में। चिकनी यहाँ पे निकाल रहे हैं आप देख सकते हैं बैठने के लिए। और मौसम अभी बहुत अच्छा है, मौसम भी ठीक है, अभी ठंडा ठंडा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, मुर्शद भाई का जो घर है ना उसमें लगता है एसी लगा हुआ है, इतना ठंडा है, शरीर ठंडा हो जाता है, मेरे फ़ोन किए हैं। और ये यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ के जो लोग हैं गैस चूल्हा भी रखे हैं और लकड़ पे भी खाना बनाते हैं, जैसे जिसको मट्टी का चूल्हा जिसको बोलते हैं उस पर भी खाना बनाते हैं यहाँ के लोग। और पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में मैंने दो चीज़ देखा, यहाँ से लेके मैं लास्ट सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और शक्तिनगर वगैरह भी मैंने गया। लास्ट में शक्तिनगर, वहाँ से शायद छत्तीसगढ़ या झारखंड का वहाँ से बॉर्डर लग जाता है और यहाँ पे समझ जाओ कि ऑलरेडी आप NCR में हो, यहाँ से दिल्ली की करीबी मतलब जो दूरी है तकरीबन 3 से 2.5 घंटे की समथिंग है। क्या मुर्शद भाई यही ना, मुर्शद भाई जी बोल रहे हैं यही 3 घंटे का, 2.5 घंटे लगे। चलिए तो मैं अभी मुरादाबाद के